सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार टेट से संबंधित है। बिहार टेट में जो ऑब्जेक्शन करना है उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा इसको भी मैं बना दूं। चलिए देखते हैं कैसे BTET एग्जामिनेशन में अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो उसका ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। तो ये आपको जनरली जो दिख रहा है यहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये भी पूछने वाला प्रश्न है। तो इसका मैं लिंक दे देता हूँ, उसका लिंक ये रहा www.bsebonline.net। इसका लिंक मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आपके सामने दिख भी रहा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट किया करना है क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन ऑफ BTET 2017 एग्जामिनेशन। इसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वैसे आप देख भी सकते हैं, ये रहा इसका लिंक www.bsebonline.net/QUESTION JUSTIONBETET.ASPX। जैसा लिखा गया है स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर वैसे ही लिखना है, अगर आप देख के लिखना चाहें तो, नहीं तो कमेंट बॉक्स पे क्लिक करते हैं ये लिंक खुल जाएगा आपके मोबाइल में, या कॉपी करके अगर पेस्ट करते हैं ब्राउजर में तो भी ये लिंक खुल जाएगा। तो इसमें आपको रोल नंबर डालना होता है जो होता है 10 डिजिट का। यहाँ आपको डालना होता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप सन मंथ ये डेट और ओके कर देते हैं। जैसे मुझे 2017 है, अक्टूबर है, 4 अक्टूबर, तो ये आपका आ गया। और उसके बाद जैसे ही यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ आपके पास पेपर होगा पहला ऑप्शन में, फिर होगा क्वेश्चन सेट, जो भी आपका क्वेश्चन सेट होगा वो क्वेश्चन नंबर होगा उसके बाद, यानी जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है प्रॉब्लम है वो। उसके बाद इशू होगा, उससे संबंधित क्या इशू है आपके। फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन विथ रेफरेंस होगा, यानी क्या उसके बारे में कहना चाहते हैं और कहां से उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो आप लोग बेसिक रूप से SCERT यानी बिहार टेक्स्ट बुक तथा NCERT जो दिल्ली से प्रकाशित की जाती है, इन सब बुकों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रेफरेंस में देंगे ताकि उसे कंसीडर किया जा सके, यानी इन्हीं बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार देख भी लेते हैं करके। तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेपर 2, फिर यहाँ सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे उन्होंने केवल पेपर 2 दिया था, फिर यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन सेट, वो क्वेश्चन सेट उनका बी था तो हम लोग बी सेलेक्ट करेंगे, जो आपका होगा वही सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ 131। ओके, आप जो भी क्वेश्चन जिस पे आपको डाउट है उसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, और जो आप OMR सीट में जिसको गोला किया है उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आगे चलते हैं हम लोग दो भागों में वो बढ़ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में है 101/131, तो OMR सीट में इन्होंने 131 को गोला किया है तो 131 को हमने सेलेक्ट किया है। फिर इशू, तो इशू उस क्वेश्चन से क्या संबंधित है, क्वेश्चन वाज रॉन्ग, क्वेश्चन गलत था, आंसर वाज रॉन्ग, आंसर गलत था, आई हैव नॉट यूज्ड वाइटनर, हमने वाइटनर का यूज नहीं किया था, अदर प्रॉब्लम, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैं सेलेक्ट करता हूं आंसर वाज रॉन्ग, तो इसके बाद मुझे जस्टिफिकेशन लिखना है विथ रेफरेंस लिखना है। सिंपली अगर मैं एज फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा
इट्स करेक्ट आंसर इज सी। फिर मैं कोस्ट में उस ऑप्शन को लिख देता हूं यानी विथ, फिर मैं फुल स्टॉप कर देता हूं, फिर मैं इंटर दबाता हूं और रेफरेंस एक दे देता हूं। और रेफरेंस में मैं देता हूं एस सी ई आर टी, एस सी आर टी। कोस्ट में मैं लिख भी देता हूं बिहार टेक्स्ट बुक। बिहार टेक्स्ट बुक ओके। इसमें आगे लिख देता हूं लेसन 10। मैं इसमें आगे लिखता हूं चैप्टर चैप्टर है द लॉस्ट। आप लोग बुक से जरूर मिला लेंगे द लॉस्ट चाइल्ड। और पेज नंबर है 76। उसमें मैं पैराग्राफ भी डाल देता हूँ पेज नंबर 76 और मैं डाल देता हूँ सेकंड पैराग्राफ है ये। फिर मैं कोस्ट को बंद कर देता हूँ, फुल स्टॉप दे देता हूँ। अब ये मैंने लिख दिया, आप अदर क्वेश्चन के लिए जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर इसको मुझे क्या करना है, सबमिट करना है। तो मैं सिंपली इस क्वेश्चन को सबमिट करना चाहता हूँ अपने ऑप्शन के साथ, अपने प्रेफरेंस के साथ। तो यहाँ मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा और आपको मैसेज के रूप में मिलेगा अलर्ट क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये ओके करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक और बात ये है कि यहाँ आपको मिनिमम 20 कैरेक्टर लिखना है। इससे कम लिखेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। कम से कम 20 कैरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर। मिनिमम जानते हैं यानी कम से कम, मैक्सिमम जानते हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम 20 कैरेक्टर। जैसे मैं सिंपली एच जे लिखूंगा तो ये सबमिट नहीं लिएगा। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ जाएगा मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर। फिर अगर हमने जो सबमिट किया है उसको देखना चाहें तो ये रहा, ये टिकट नंबर आपका हो जाएगा, ये पेपर टू हो जाएगा, क्वेश्चन सेट आपका बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 131 हो जाएगा, इशू आपका आंसर वाज रॉन्ग हो जाएगा, जस्टिफिकेशन जो आपने लिखा है वो। तो इसको आप देख भी सकते हैं जो भी आपने क्वेश्चन दिया है, और आप एक एक करके जो भी क्वेश्चन है आप उसको डाल सकते हैं, जितने क्वेश्चन डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक इशू और भी बता देता हूँ जब आपके साथ हो। तो अगर आपने स्कूटनी के लिए नहीं डाला है फिर भी आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। ये कोडिंग अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से नहीं की गई है, इसके कारण ऐसा अभी आ रहा है। मे भी आगे चल के इसको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, स्कूटनी के बाद ही ऐसे कीजिएगा ताकि आपको कोई फायदा मिले। मैंने सिंपली आपको बता दिया कि आपने नहीं भी डाला है तो भी आप लोग इसमें दर्ज कर
सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप लोग ये गलती भूल के भी नहीं करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो आप मुझे आज और कल, यानी कल है संडे, आज था सैटरडे, तो इस समय से आप कॉल कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर आपको पहले पता ही है, नहीं तो आपको मेरे मोबाइल नंबर के लिए पिछले वीडियोस को देखना होगा। और कमेंट बॉक्स हाजिर है, मैं कोशिश करूंगा इस बार मैं सभी के कमेंट का आंसर दूं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। अगर वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा चाहूँगा आपके लिए बेस्ट वीडियो लेके आऊँ, और हमेशा चाहूँगा कि आप टीचर ज़रूर बने। बाय बाय।